हमारा जो ये आज उपवास का कार्यक्रम है, ये अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र और सरकार का जो घोषणा पत्र था, नीतिगत दस्तावेज, उसको लेकर आए। हम लोग लगातार पिछले 4 साल से सरकार से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बैठकर हमसे द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं कर रही है। इस वजह से राजस्थान के कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है और हमारे महासंघ जो संबद्ध संगठन है, 82 संगठन, उनमें से लगभग 60 संगठनों ने पिछले 4 साल से लगातार आंदोलन किए हैं। उनके साथ बैठ के सरकार ने समझौते किए, लेकिन एक भी समझौते की पालना नहीं हुई, जिससे पूरे राजस्थान में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ना सरकार ने वेतन विसंगतियां दूर की है, न पदोन्नति के प्रयास पद सर्जित किए हैं, न नटरचता इसकी इतनी बड़ी बजट घोषणा, उस बजट घोषणा को भी लागू नहीं किया है। हमारे सहायक कर्मचारियों के MTS की जो बहुत बड़ी मांग है, उसको भी आज दिनांक तक सरकार के पास डिस्कशन में फाइल पड़ी है। इस तरह से हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, चाहे वर्कशॉप एम्प्लॉय की हो, चाहे फॉरेस्ट के कर्मचारी की हो, चाहे नर्स एसोसिएशन की हो, चाहे राजस्व सेवा परिषद की हो, सभी मांगे हमारी सरकार के पास समझौते हुए, लेकिन उनको लागू नहीं करने से राजस्थान में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और आज हम अभी हमारे निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन के बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम है और आज हम उपवास के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो बैठे, द्विपक्षीय वार्ता करें और हमारी मांगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो शीघ्र ही महासंघ बड़ा आंदोलन करेगा। हम 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर के पिछले 3 साल से लगातार लड़ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं किया। हालांकि बहुत बार ज्ञापन दिए, अनेक आंदोलन किए, आश्वासन भी दिए, लेकिन उन मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं। और साथ ही साथ कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कर्मचारियों के संबंध में नीतिगत कुछ बातें कही थी, उनमें किसी बात की पालना नहीं की है। इसीलिए आज हम पूरे राजस्थान के कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर नीचे आज हम ये अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं।